नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। कैसी रही होगी आजादी की वो रात, वो पहली सुबह जब लोगों ने पहली बार दिल्ली से पटना तक की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा। कैसी होगी वह सुबह जब पटना के लोग भारत की आजादी के जश्न में डूबे होंगे। आजादी के उस पल की गवाही आज भी कई इमारतें देती है। आज भी वो तारीख, वो लम्हा अखबारों की सुर्खियों में कैद है। उन सुर्खियों, उन इमारतों और उन पद चिन्हों की जुबानी आजादी के पहले दिन की कहानी जानते हैं। अगस्त 1947, ये तारीख इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी के जश्न में डूब जाता है। पटना से दिल्ली और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चप्पा चप्पा तिरंगे के रंग में रंग जाता है। लोग अपने अपने तरीके से आजादी के जश्न को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आजादी को पाने के लिए लाखों करोड़ों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उस 15 अगस्त 1947 को पटना में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। चौदह अगस्त 1947 रात के 12 बजे भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की 200 साल पुरानी बेड़ियों को तोड़ दिया। ठीक रात के 12 बजे पंडित नेहरू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल से देश को संबोधित किया। आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। आज जब दुनिया सो रही है, भारत जागेगा और जागते हुए ही आजाद हो जाएगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes. पंद्रह अगस्त 1947 की सुबह का सूरज हिंदुस्तान के लिए वो खुशियां लेकर आया था जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। वो आजाद भारत की पहली सुबह की किरण थी जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा जाना शुरू हुआ। देश आजाद हो चुका था, लोग जश्न में डूबे हुए थे। ब्रिटिश हुकूमत का झंडा यूनियन जैक नीचे उतर चुका था और आजादी का प्रतीक तिरंगा शान से आसमान पर लहरा रहा था। लहराते तिरंगे के साथ भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसे आज इंडिया गेट कहा जाता है। प्रिंसेस पार्क में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया था। कहते हैं उस दिन भारत की आजादी के जश्न में आसमान इंद्रधनुषी रंग में रंग गया था।
एक तरफ दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में आजादी का सबसे बड़ा जश्न हो रहा था, तो दूसरी ओर बिहार में जश्न का मुख्य केंद्र बनी थी बिहार की राजधानी पटना। इस दिन पटना में तिरंगा फहराने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। लोगों ने जगह जगह तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आधिकारिक आयोजन पटना फ्लाइंग क्लब में हुआ था। यहाँ के कार्यक्रम में राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह शामिल हुए। पटना फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, पहले इसे फ्लाइंग क्लब के नाम से जाना जाता था, जहां कभी राजा महाराजाओं के विमान रहा करते थे, यहीं पर हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आधिकारिक आयोजन। यानी आजादी के मतबालों की बदौलत हिंदुस्तान आजाद हुआ था और आजादी की पहली सुबह यहां पर आधिकारिक आयोजन हुआ था। आज जगह तो वही है, लेकिन इसकी पहचान बदल चुकी है। वैसे तो पटना में 14 अगस्त की रात से ही चौराहों पर शंख और मृदंग बजना शुरू हो गया था, जो सुबह 5 बजे तक बजता रहा। सुबह होते होते पूरा पटना तिरंगे से पट चुका था। पूरी रात पटना की गलियों में आजादी की चर्चा होती रही। लोगों ने आंखों ही आंखों में रात काट दी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शहीदों की कुर्बानी और जश्न आजादी की कहानी आज भी दर्शक यानी जो पाठक हैं, पढ़ने के लिए सबसे पुरानी लाइब्रेरी सिन्हा लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां सबसे पुराना अखबार मौजूद है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था और 14 अगस्त की आधी रात को जब पूरा पटना शहर जश्न में डूब गया था, उसकी कहानी अगर पढ़नी हो तो आप सिन्हा लाइब्रेरी आ सकते हैं। पटना सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से मुख्य समारोह बांकीपुर मैदान में हुआ, जो अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। सुबह 8:30 बजे बिहार प्रांत कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन महामाया प्रसाद सिन्हा ने तिरंगा फहराया। भारत माँ के जय घोष से पूरा गांधी मैदान गूंज उठा। दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे और शाम को जमकर आतिशबाजी हुई। पटना का गांधी मैदान, जिसे कभी बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था, पटना सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से मुख्य समारोह बांकीपुर मैदान में ही हुआ था। गांधी मैदान में हुए समारोह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का संदेश पढ़कर सुनाया गया था। राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी शाम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और हजारों की संख्या में बिहारवासी भी कार्यक्रम के गवाह बने थे। नारा लगा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पटना सिटी को तब भी पटना के आर्थिक केंद्र के रूप में ही जाना जाता था। पटना के मंगल तालाब पर जमकर जश्न मनाया गया। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाया गया था और व्यापारी जश्न में डूबे हुए थे। मंगल तालाब पर हुए समारोह में चौक थाना कांग्रेस अध्यक्ष जग्गीलाल ने झंडा फहराया था। पटना सिटी के इसी मंगल तालाब से हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। यानी आजादी की घोषणा होते ही पूरा शहर जश्न में डूब गया। लोग सो नहीं पाए, सुबह होते ही शहर तिरंगे से पट गया। और इसके साथ साथ यही मंगल तालाब है जहां पर मुख्य आयोजन किया गया था, और इसके साथ साथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जग्गीलाल ने झंडोत्तोलन किया था। यहां तक कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सजावट देखने को मिली, हर तरफ तिरंगे नजर आ रहे थे और इसके साथ साथ लोग भारत माता की जय का लगातार नारा लगा रहे थे। लोग ये भी कह रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और इसके बाद जश्न आजादी की लगातार 3 दिनों तक तस्वीरें देखने को मिली और 3 दिनों तक पूरा पटना लगातार जश्न में डूबा रहा। आजादी के आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लिहाजा देश को आजादी मिली तो साइंस कॉलेज में 3 दिनों तक जश्न मनाया जाता रहा। दुल्हन की तरह सजी साइंस कॉलेज की बिल्डिंग पर आचार्य बद्रीनाथ ने झंडा फहराया।
17 अगस्त को वीसी को झंडा भेंट करने के साथ ही समारोह समाप्त हुआ। भू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। गुलाम भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन ना तो शहीदों की शहादत को भुलाया जा सकता है और ना ही जश्न आजादी की उस रात को हम भूल सकते हैं। पटना का साइंस कॉलेज, जहां पर जश्न आजादी को लेकर 3 दिनों तक लगातार समारोह का आयोजन होता रहा और यहां पर झंडोत्तोलन किया था आचार्य बद्रीनाथ ने, यानी साइंस कॉलेज के बिल्डिंग को भव्य तरीके से सजाया गया था। छात्रों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और 17 अगस्त को वाइस चांसलर को झंडा भेंट करने के बाद कार्यक्रम की समाप्ति हुई थी और भारत माता की जय के नारे लगे थे। 15 अगस्त 1947 को बांकीपुर बालिका विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। यहां ड्रिल के बाद वंदे मातरम का गान हुआ और डॉक्टर डीएन सेन ने तिरंगा फहराया। आजादी की घोषणा होते ही पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में छात्र छात्राओं ने भी जमकर आजादी का जश्न मनाया था। कहा जाता है कि ड्रिल के बाद वंदे मातरम का गान हुआ था, यहाँ तक की राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए थे। उसके बाद मिस बी देव ने छात्राओं को राष्ट्रीय झंडे का महत्व बताया था और यहाँ पर भी भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे थे। आजादी के आंदोलन में वकीलों ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई थी, लिहाजा यहाँ जश्न भी चरम पर था। मुख्य न्यायाधीश ने सुबह 9 बजे झंडा फहराया, वंदे मातरम का गान हुआ और मौजूद लोगों को तिरंगे का महत्व समझाया गया। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा थे, चारों ओर लग रहा था कि तिरंगा, जितने आदमी हैं उससे ज्यादा तिरंगा हुए। तिरंगा बेचने वाले भी थे, तिरंगा भी लिए थे, लोगों को बांट भी रहे थे, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे सब कोई काम छोड़ करके उस दिन मनाए थे। वैसी खुशी न उससे पहले पटना में हुई या न उसके बाद हुई। 15 अगस्त 1947 के दिन सबसे रोचक वाकया विक्रम थाना के एरोड्रम को लेकर हुआ। हुआ यूं कि 14 अगस्त की आधी रात देश आजाद हुआ। 15 अगस्त की सुबह तक पटना शहर के लोगों को जानकारी मिल गई, लेकिन गांवों में इस बात को पहुंचने में शाम तक का वक्त लग गया। जैसे ही लोगों को खबर मिली, 10-20 गांव के लोग एरोड्रम की ओर दौड़ पड़े। तब फुलवारी की बजाय विक्रम में ही एरोड्रम हुआ करता था। पटना में एरोड्रोम नहीं था, विक्रम एरोड्रोम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है और स्वाभाविक रूप से वहीं से हवाई जहाज कम संख्या में ही सही चलते थे। तो जब यह आज़ादी की घोषणा हुई तो जो अंग्रेज अफसर्स थे जिनको सूचना मिली तो उन्होंने सोचा कि कहीं उन पर अटैक नहीं हो, इसलिए वो पहली फ्लाइट लेकर यहाँ से भागने लगे, गाड़ी से भागने लगे। आज़ादी का जश्न हो, ऐसे में भला भारत की आज़ाद धरती को अपने लहू से सींचने वाले वीर शहीदों को कौन भूल सकता है। 11 अगस्त 1942 को आज़ादी की खुशबू को बिखेरने वाले बिहार के 7 शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राण तिरंगे की खातिर न्योछावर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इन वीर शहीदों की शहादत को भी सलाम किया गया था। बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने अखंड बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की उपस्थिति में 15 अगस्त 1947 को ही शहीद स्मारक की आधारशिला रखी थी। आजादी मिलने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए बिहार के 7 सपूतों की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, जिसे शहीद स्मारक कहते हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा रहा आपसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। यह कहते कहते अगस्त 1942 में सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान बिहार के ये 7 सपूत शहीद हो गए थे और इनकी शहादत के बाद आज पूरा देश फक्र कर रहा है और आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री जयराम दास दौलत राम ने इस शहीद स्मारक की नींव रखी थी और आज हम आजादी का एहसास कर रहे हैं, जश्न आजादी मना रहे हैं और इनकी शहादत को भी याद कर रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। 1947 से आगे बढ़ते हुए देश
2024 तक पहुंच चुका है। हर साल 15 अगस्त को देश आजादी के जश्न में डूब जाता है, लेकिन वो पल बहुत खास थे जब एक मुल्क ने आजादी के पहले पल को महसूस किया। आजादी की वो रात अद्भुत थी और वो पहली सुबह अनमोल, जब लोगों ने पहली बार देश भर में तिरंगे को लहराते हुए देखा था। आज हम उस पल को बस महसूस कर सकते हैं। सोचिएगा तब कैसा नजारा रहा होगा, जब लब आजाद हुए थे, जब भारत माता की जय बोलने पर रोक नहीं थी। जब आजादी के मतवाले स्वतंत्र होकर वंदे मातरम की धुन पर थिरक रहे थे। स्वतंत्रता के 77 सालों में भारत ने गुलामी के अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया है और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। लेकिन आज भी 15 अगस्त 1947 की तारीख और उस दिन मनाए गए जश्न को याद कर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है।